कल आप लोगों ने एएलजी के विषय में देखा, आज एएलजी के बाद दूसरा जो इसमें है वह और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में दो शब्द है, एक ब्रायोन और दूसरा फाइटा। इसमें दो वर्ड है ब्रायोन एंड फाइटॉन। ब्रायोन मीन्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसको मास, और फाइटॉन मीन्स प्लांट, प्लांट। इसका मतलब जो ये प्लांट है वो कैसा है, इसका मास, मास आप सोचेंगे कि मास ये क्या होता है जो आप लोग सोच रहे होंगे कोरोना पीरियड में जो मुंह में लोग लगा के डालते हैं, वही मास्क तो नहीं है, वो मास्क है, गलती मत करिएगा, ये मास है पौधा। जैसे इसको आप देख लीजिए, ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, जिसको आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, जिसको आप अपने सामान्य भाषा में काई के नाम से, जैसे वर्षा हो रही है आप देख रहे हैं कि जमीन पर या दीवारों पर जो है फिसलन दिखाई देता है, हरे हरे से, जिसको आप अपनी भाषा में काई कहते हैं, वो काई नहीं बल्कि वो पौधा जिसको जो है हम मास के नाम से जानते हैं। इसको आप अलग अलग ही देख सकते हैं कि इस तरह से आप देखेंगे सभी अलग अलग पौधे दिखाई दे रहे हैं। आप देखें सभी पौधे अलग अलग इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, सब अलग अलग है ना। अब आपको ऐसा लगता है जैसे कि एक साथ मिले हुए हो तो पूरी कॉलोनी उनकी एक साथ जो दिखाई देती है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो पौधा नहीं है लेकिन वो मास का पौधा है। तो आप कह सकते हैं कि द वर्ड ब्रायोफाइटा मेक अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड ब्रायोन एंड फाइटॉन। ब्रायोन मीन्स मॉस एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट। इट मीन्स द मॉसेस प्लांट ब्रायोफाइटा इज अ सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप, प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप ऑफ द एम्ब्रियोफाइटा। द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा प्लांट्स आर मॉसेस डिफ्रेंशिएटेड और रूट स्टेम आर लीव, आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम आर लीव। देर आर 840 जेनरा and 23,500 species are known. The vascular bundle is absent. The male sex organ, is antheridium and female sex organ, is archegonium. Professor एस आर कश्यप, प्रोफेसर एस आर कश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। प्रोफेसर एस आर कश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, यानी कि प्रोफेसर एस आर कश्यप को
भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो हमने बता दिया आपको कि ब्रायोफाइटा इज अ ग्रुप ऑफ सिंपलेस्ट, यानी कि ये एक सिंपलेस्ट बहुत छोटा सा ग्रुप है एंड प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि एम्ब्रियोफाइटा जो वर्ग है उसका ये बहुत ही जो है आद्य प्रकार का ही समूह है। इसमें वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है संवहनता, अनुपस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत 840 जेनरा और 23,500 स्पीशीज ज्ञात है। इसमें मेल जनन अंग को एंथ्रेडियम और फीमेल जनन अंग को आर्चिगोनियम कहा जाता है। दे आर मोस्टली ट्रेस्टियन बट सम एक्वाटिक, फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस एक्वाटिक। दे आर ग्रोइंग बेट एंड सैंडी प्लेसेस, दे आर ग्रोइंग बेट एंड सैंडी प्लेसेस। द बॉक्स बोमिया एम्फाइला, बॉक्स बोमिया एम्फाइला, बॉक्स बॉक्स बोमिया एम्फाइला इज अ साइप्रोफिटिक ब्रायोफाइट एंड बॉक्स बोमिया मिनिकेट आर क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस आल्सो साइप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स। द फॉसिल ब्रायोफाइट्स हैव बीन रिकॉर्डेड टर्शियरी बेड्स ऑफ सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा एंड पैलियोजोइक एरा। कहने का तात्पर्य कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं ये मुख्य रूप से नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। एक अधिकांशता ट्रेस्टियल, ट्रेस्टियल का मतलब स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक मतलब जलीय, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस। आपसे जो है पीएमटी से पीएमटी आर यूपी बोर्ड में भी प्रश्न आता है किसी एक जलीय ब्रायोफाइट का नाम बताइए, तो आप उसका नाम बताएंगे रिक्सिया फ्लूटेंस। बॉक्सबोमिया एम्फाइला ये सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी है। इसके साथ जो है आप देखेंगे कि इसका जो फॉसिल ब्रायोफाइट है ये जो है मीसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा और सीनोजोइक, सीनोजोइक मीसोजोइक और पैलियोजोइक एरा, ये तीनों में इसके जीवाश्म पाए गए हैं। जैसे सैलेरिया लॉन्गिफोलिया, सैलेरिया लॉन्गिफोलिया और एंटिया वर्मिकुलरिस, एंटिया वर्मिकुलरिस, एंटिया फाइलसिफॉर्मिस ये फॉसिल
ब्रायोफाइट्स हैं। देन जनरल करेक्टर आपने देखा, इसके हैबिटेट के विषय में देखा, अब आप देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का क्या आर्थिक महत्व है? देखें, ब्रायोफाइट जो है इसमें कुछ पौधे ऐसे, जैसे स्फैग्नम है, स्फैग्नम में जल अवशोषण की क्षमता, स्फैग्नम में जल अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग जीवित पौधों को या जो है पौधों के जो गठर बना करके सप्लाई करने में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ब्रायोफाइट सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। जैसे आपने कहा कि जहां पर मिट्टी में काई जमी हुई है, ब्रायोफाइट मास उगा हुआ है, वहां पर मिट्टी कट करके नहीं बहती है, तो मृदा अपरदन को रोकते हैं। और जो स्फैग्नम है, इस स्फैग्नम को जंतुओं के नीचे बिछाने के भी काम में ले आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चट्टानों के ऊपर उगते हैं और चट्टानों के ऊपर उग करके वहां पर जो है मृदा का निर्माण करते हैं, जिसके वजह से वहां पर नए पौधे के निर्माण के लिए स्थान मिल जाता है। तो इस तरह से आपसे ये प्रश्न किया जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के विषय में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न आपसे किया जाएगा ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व को समझाइए। धन्यवाद, आप लोग पढ़ेंगे और इसके नोट्स को भी बनाएंगे।